नमस्कार दोस्तों, एजे बाड़ी में आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने मोबाइल में टिक वीपीएन को कैसे यूज कर सकते हो, जो कि अदर कंट्री में उसका सर्वर कैसे कनेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों उसी तरह से आपके प्रवेश पकड़ना है तो कुछ इसी तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, जो कि आपको मोबाइल में डाउनलोड करना है इजीली इसे कैसे यूज कर सकते करते हैं। तो दोस्तों इसे कैसे यूज करते हैं, तो दोस्तों इस ऐप को मैं सिंपली ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आने के बाद इसमें आप कैसे सर्वर को कनेक्ट कर सकते हो, जो कि अदर कंट्री का सर्वर को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो इधर से आपको अनलिस्टेड लिखा हुआ है, उधर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से आपको बहुत से सर्वर देखने को मिल जाएंगे, जो कि इधर से आपको वीआईपी सर्वर भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं एक सर्वर आपको इजीली कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो मैं अनलिस्टेड वाले पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो आपके सामने कुछ इसी तरह का कनेक्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो इधर से हमारा जो कनेक्टिंग है वो प्रतिदिन हो रहा है, जो कि हमारा जो सर्वर है वो कनेक्ट हो रहा है। इधर कनेक्ट हो जाने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा सर्वर है वो कनेक्ट हो चुका है। और दोस्तों इधर से आप कौन सी भी ऐप को आसानी से यूज कर सकते हो। और दोस्तों इधर ऐड ऐप लिखा हुआ है, उधर आप देख सकते हो इधर से आपको बहुत सी ऐप देखने को मिल जाएगी। और इधर से आप वीडियो वगैरह देख सकते हो, जो कि जिस ऐप में आप टिकटॉक वगैरह इधर से यूज कर सकते हो, यूट्यूब वगैरह, और इधर सोशल जो कि सोशल ऐप है वो इधर आपको सब दिखाई देंगे। और इधर आपको न्यूज़ का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इधर से आप कौन सी भी किसी भी ऐप को आसानी से यूज कर सकते हो। और दोस्तों इधर में आपको वीआईपी सर्वर भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि इधर साइड में आपको इंटरफेस दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। उधर आपको इधर आपको वीआईपी सर्वर कनेक्ट लेने के लिए आपको इधर कुछ पेमेंट पे करना पड़ेगा, जो कि 430 रुपये है वो आपको पेमेंट पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप वीआईपी सर्वर को कनेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों इसे यूज करके आप किसी भी ऐप में आसानी से यूज कर सकते हो। और दोस्तों उसी तरह से इसे डिसकनेक्ट करना चाहो तो सिंपली इसको पावर ऑन और पावर ऑफ का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो आपके सामने कुछ इसी तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपका जो वीपीएन है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।